अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन जो है सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और इसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से आपने आल वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और वो भी फ्री में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ लजीज़ा का बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ा खोया बनाना, वो भी पिस्ता फ्लेवर में कुल्फ़ा आज हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी झटपट ये बनके रेडी हो जाता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। पैक को ओपन करने के बाद इसके अंदर से आपको कुल्फ़ी के दो मोल्ड्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, इस तरह के हैं, प्लास्टिक के हैं और इसका कैप भी आसानी से बंद हो जाता है। और ये हमारे पास कुल्फ़े का पैकेट है, इससे हम अपना कुल्फ़ा रेडी करेंगे। किस तरीके से तैयार करेंगे तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक लीटर आपको फुल क्रीम दूध चाहिए होगा, अगर फुल क्रीम दूध नहीं है तो आप डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। फुल क्रीम कौन सा होता है? गाय का दूध होता है, ठीक है। तो ये मैंने गाय का दूध ले लिया, तकरीबन ले लिया एक लीटर, ठीक है। दूध को मैंने पहले से बॉयल कर लिया था और जैसे ही आपका दूध बॉयल हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड करना है 3 टेबल स्पून बटर। बटर आपका जो है वो अनसाल्टेड होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। बटर डालने के बाद क्या करेंगे, बटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बटर को मिक्स करने के बाद आपने इसको लो फ्लेम पे दूध को कुक करना होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। बिल्कुल लो भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं इसको दूध को इसी तरह से छोड़ दूँगी और वक्फे वक्फे से चेक करते रहिएगा ताकि आपका दूध नीचे ना गिरे। और ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, मीडियम साइज़ की ये ब्रेड थी, इसके दो स्लाइसेस आपको चाहिए होंगे। और अब आपने क्या करना है, इसके जो साइड वाले किनारे हैं, जो ब्राउन पार्ट है, इसको आपने छुरी से कट कर लेना है। तो छुरी से कट करने के बाद हम इसको ब्रेड को साइड पे रख देते हैं। तो देखिए दूध को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, दूध जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। देखें आपको मलाई भी नज़र आ रही होगी किनारों से, इसको हम साइड पर करते जाएँगे। और इसके बाद कुल्फ़े का जो पैकेट है हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और चम्मच जो है आपने चलाते रहना है। पूरा पैकेट डाल देंगे हम। तो सारा पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब क्या करेंगे, इसको हम 5 से 6 मिनट जो है इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। वक्फे वक्फे से हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा जो कुल्फ़ा है वो नीचे लगे नहीं। तो 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकाते रहेंगे। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा जो बैटर है वो गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। और अब हम इसे क्या करेंगे, चूल्हे से नीचे उतारेंगे और नीचे उतारने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। तो ये देखिए हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं और जैसे ही ठंडा हो जाए तो आपने इसके अंदर ब्रेड जो है इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के आपने इसके अंदर डाल देनी है। मिक्स करेंगे ब्रेड को और मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको जूसर के जग में, ब्लेंडर में आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है तकरीबन 10 से 15 सेकेंड के लिए। तो इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है आइसक्रीम का मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। और अब क्या करेंगे, आपको चाहिए होंगे कुल्फ़ी के मोल्ड। तो ये देखिए मेरे पास कुल्फ़ी वाले मोल्ड्स हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर भी अपनी आइसक्रीम को जमा सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम आइसक्रीम वाला जो बैटर है वो हम डालते जाएँगे मोल्ड्स के अंदर। और ये मेरे पास जो कुल्फ़ी के साथ जो मोल्ड्स मिले थे फ्री में, उसके अंदर भी हम अपना आइसक्रीम वाला जो मिक्सचर है हम इसके अंदर फिल कर लेते हैं और इसका ढक्कन जो है टाइटली बंद कर देते हैं। तो देखिए आइसक्रीम का सारा बैटर जो है मैंने मोल्ड्स में भर दिया, इसके बाद इसकी कैप्स जो है हम बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना बने। और इसके बाद क्या करेंगे, आइसक्रीम को जमने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। तो आइसक्रीम को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ।
तो तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। इसका ढक्कन मैं आपको उतार के दिखाती हूँ अंदर से। देखें, आइसक्रीम जो है हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है। और इसको निकालने का क्या तरीका है, आपने नॉर्मल पानी लेना है और मोल्ड्स को आप इस तरह से हल्का सा डिप करेंगे तो आइसक्रीम जो है वो आसानी से बाहर निकल आएगी। ये देखें, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल आसानी से बाहर निकल आई है और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। गर्मियों का मौसम है तो ये फ़ौरन जो है पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी आइसक्रीम्स को बाहर निकाल लेते हैं मोल्ड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूवर्स, हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम पिस्ता फ्लेवर में बनके रेडी हो चुकी है। थोड़े से मैंने पिस्ते कट करके आइसक्रीम के ऊपर इस तरह से सजा दिए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है व्यूवर्स, मेरी बात का यकीन कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। लाजमी रेसिपी को ट्राई करना व्यूवर्स, आपको भी आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।